दोस्तों होली तो हम सभी खेलते हैं, लेकिन कई बार खेलते खेलते हम इतना भूल जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि हमारे स्किन से ये जो जिद्दी रंग है वो कैसे उतरेंगे और पूरी तरह से हम रंग में रंग जाते हैं। तो अगर आपकी भी रंग छुड़ाने की समस्या है, स्किन पर एलर्जी की समस्या है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारे तरीके शेयर किए हैं, लेकिन जो सबसे स्पेशल तरीका है वो है संतरे के छिलकों के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है रंग छुड़ाने को लेकर, वो खीरे को लेकर है। खीरा आजकल हर घर में इजीली मिल जाता है, एक खीरा ले लीजिए, छिलका उतारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। छिलका उतारने से क्या होगा, इसके न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस खीरे को वॉश कर लीजिए। अब हम इसको करेंगे ग्रेट। ग्रेट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें निकालना है खीरे का जूस। तो ग्रेट करने के बाद खीरा इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है कि इसमें से जो जूस है वो बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाता है। यहाँ पर मैंने हाफ खीरा लिया है, जिसमें आराम से आप 2 से 3 बार इस मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे का जो बल्ब है उसको लेकर इस तरह से छन्ने में डालिए, और जैसे ही स्पून से दबाते हैं तो बहुत अच्छे से इसका जूस निकल जाता है। दबा दबा कर अच्छे से जूस निकाल लीजिए और बल्ब को हटा दीजिए। अब इस जूस में हम एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे जो हमारे स्किन के लिए भी सही हैं, साथ ही हमारे चेहरे को ठंडक भी देगा। जो सबसे पहली चीज़ मैं डाल रही हूँ दोस्तों, वो है गुलाब जल, यानी कि रोज़ वाटर। प्योर रोज़ वाटर ले लीजिए और 1 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिए। तो मैंने 2 चम्मच खीरे का रस लिया है, 1 चम्मच गुलाब जल लिया है। अभी यहाँ पर 1/2 चम्मच मैं ले रही हूँ विनेगर, जो वाइट विनेगर होता है वही है। ये हमारी स्किन पर कोई इन्फेक्शन नहीं देगा, उल्टे रंग छुड़ाने का बहुत अच्छे से काम करेगा। जब भी आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा रंग लग जाए तो इस पानी से आपको फेस को वॉश करना है, यानी कि ये पानी लेकर हाथों में लीजिए और चेहरे पर थपथपा लीजिए। पूरे दिन में 3 से 4 बार करिए, चेहरे को ठंडक मिलेगी और धीरे धीरे करके रंग आपका बहुत ही नेचुरल तरीके से निकल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है बेसन को लेकर, और जो बेसन वाली टिप है ये आपके चेहरे से रंग निकालने का काम बखूबी करेगी, वो भी सिर्फ 1 बार में। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है। बेसन जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही ये फेस पर स्क्रबिंग का भी काम करता है। जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है लेमन जूस। 1/2 चम्मच भर के मैंने लिया है लेमन जूस, जो हमारे चेहरे से रंग निकालने का प्रोसेस बहुत अच्छे से करता है। अब इसके बाद से इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध से क्या होगा, बेसन का जो घोल है वो बहुत ही स्मूथ बन जाता है, बढ़िया सा बन जाता है। तो जितनी ज़रूरत हो इस घोल को बनाने में आपको लेना है दूध। दूध लेने के बाद बेसन और नींबू के रस में अच्छे से मिला लीजिए। और ये जो तरीका है ये बहुत ट्रेडिशनल है, शायद आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, यूज़ भी करते होंगे। तो एक बार भी फिर मैंने सोचा कि इस तरीकों को आपके साथ शेयर करती हूँ। जहाँ पर भी रंग लगा है वहाँ पर आप इस मिक्सचर को अप्लाई करेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, हल्का हल्का सा रब कर लीजिए। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कलर जो है बेसन के साथ निकलने लगा है। बस ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी कलर छुड़ाने के लिए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना होता है। हमेशा कलर छुड़ाने के लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। जितना ही हम ठंडा पानी डालेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से कलर निकलता है। तो इस तरीके से कलर निकालना आसान होता है। नेक्स्ट टिप है आटे को लेकर। आटा जितना ही मोटा होगा, अगर आप चाहें तो आटे का जो चोकर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा आटा लिया है, तो मैदे वाला आटा बिल्कुल भी मत लीजिए। अब इसके बाद से आपके घर में जो ऑयल हो, स्पेशली जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल, अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर ये फिगारो का तेल ले लिया है। अब ये जो मिक्सचर है इसमें हम किसी भी दूध मलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों पानी का। पानी आप ठंडा ही डालें। पानी से क्या होगा, हमारे आटे का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिससे इसको स्किन पर अप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो 1 से 1.5 चम्मच पानी डाल लीजिए। और ये सारे मिक्सचर, ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ, आप होली खेलने से पहले ही बना कर रख सकते हैं, और जब आपको लगे कि रंग ज़्यादा चढ़ गया है तो इनको आप यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आटे का ऐसा मिक्सचर तैयार हो गया है, कुछ कुछ ये उबटन जैसा हो गया है। स्किन पर जहाँ पर भी कलर लगा हो वहाँ उस जगह पर आटे के इस मिक्सचर को लगा कर 10 से 15 मिनट छोड़िए, फिर आप देखेंगे कि कैसे इजी तरीके से कलर निकलता है। हमने जो इसमें ऑयल डाला है जैतून का, उस वजह से हमारी स्किन नरिश भी होती है, स्किन फटती नहीं है, स्किन पर कोई एलर्जी नहीं होती है, और रंग बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये भी तरीका आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप में आपको लेना है संतरा। जी हाँ दोस्तों, 1 संतरा लेना है, संतरे का छिलका हमें यहाँ पर लेना है। जो संतरा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर संतरे के छिलके का इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो यहाँ पर संतरे के छिलके से हम कलर छुड़ाने का काम करेंगे, जो कि करेगा बखूबी। अब ये जो छिलके हैं इनको आप तोड़ लीजिए छोटे छोटे पीसेस में। ध्यान रखिए कि फ्रेश संतरे का छिलका ही लेना है, छिलके को सुखाना नहीं है।
तो संतरे के छिलकों को लेकर इस तरह से आप पीसेज में पहले चॉप कर लीजिए। ध्यान रखिए कि कोई भी छिलका हो, अगर वो सड़ा हुआ हो तो उसको काट कर अलग कर दीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे दोस्तों, वो है मसूर की दाल। ये जो लाल मसूर की दाल होती है, इसको आप आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए। जैसे आप कलर खेलने जा रहे हो तो दाल को भिगा दीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिलाकर, दाल और ये हमारा संतरे का छिलका है, दोनों चीज़ों को मिलाकर मिक्सी में अच्छा सा पेस्ट बनाइए। और इसमें एक और चीज़ हम डालेंगे, या तो आपके पास कैस्टर ऑयल है या फिर जैतून का तेल है, और सबसे बढ़िया होता है दोस्तों बादाम का तेल, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास बादाम का तेल है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, ये भी नहीं है तो आप नारियल के तेल का यूज़ कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को मिलाकर अच्छा सा पेस्ट बनाइए, मिक्सी में आप अच्छे से पीसिए। उसके बाद से अपनी रंग लगी त्वचा पर इस मिक्सर को अप्लाई करिए, 15 से 20 मिनट छोड़िए। अगर आपकी स्किन पर दाने होते हैं, रंग की वजह से दाने हो गए हैं, रैशेज हो गए हैं, तो भी ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन पर वर्क करेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए तरीका बहुत अच्छा काम करता है जिसकी स्किन ऑयली होती है और दाने बहुत ज़्यादा उभरते हैं और कलर की वजह से चेहरा ख़राब हो जाता है, तो इस तरीके को ज़रूर अप्लाई करिएगा। आइए एक और टिप देखते हैं कलर छुड़ाने का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेसन। वापस से मैंने बेसन ही लिया है। बेसन में दो तीन चीज़ें मैं ऐड करूँगी, बिल्कुल हर्बल उपटन बनाना बताऊँगी आपको, जिससे आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। इसके लिए एक चम्मच बेसन में हम डालेंगे यहाँ पर एक चम्मच फ्रेश दही। जो तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि जमा हुआ है तो मैंने थोड़ा सा लिया, पिघला हुआ है तो यानी कि आधा चम्मच तेल आप ले सकते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। ये जो हमारा बहुत ही अच्छा सा हर्बल उपटन बनाकर तैयार हो जाता है, जब हम इसमें दही ऐड करते हैं तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। अच्छे से मिलाने के बाद जो इसमें एक चीज़ हमारी अभी रह गई है वो है दोस्तों हल्दी का पाउडर। तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी लेंगे। अब हमारा ये कंप्लीट उपटन बनकर तैयार हो चुका है। चारों चीज़ों को मिलाकर अब ये हमारा जो उपटन है, इसको आपके कलर पे, अपनी बॉडी पर, कहीं पर भी अप्लाई करना है। ध्यान रखिए कि अगर आपके चेहरे पर ड्राई कलर लगा है तो पहले उसको आप कपड़े से झाड़ लीजिए, उसके बाद ही इस मिक्सचर को अप्लाई करिए और सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूखने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, आप देखेंगे कि कितने बढ़िया तरीके से कलर उतर जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों कि कभी भी कलर को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा साबुन या फिर फेस वॉश का यूज़ नहीं करना चाहिए। इन्हीं हर्बल तरीकों से अपने कलर को छुड़ाते हैं। एक और टिप है जो कि है मुल्तानी मिट्टी के साथ। मेरे पास अभी पाउडर वाली मुल्तानी मिट्टी नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो सॉलिड फॉर्म में होती है मुल्तानी मिट्टी, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम लेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल में मैं इस मुल्तानी मिट्टी को थोड़ा सा सोक कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा गुलाब जल डाला है। इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास पाउडर वाला मुल्तानी मिट्टी है तो उसमें भी आप पानी और गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ये हमारी मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छे से भीग जाएगी आधे घंटे के बाद, तो इसको क्या करेंगे, हाथों से दबा लेंगे। अभी मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी कड़क है, पर फिर भी मैं आपको चूंकि वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से दबाने के बाद ये मिक्सचर ऐसे ही गीला गीला रखिए, जिससे आपकी स्किन पर ड्राई क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। तो ये मुल्तानी मिट्टी बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है फेस पर लगाने के बाद। इसको लेकर इस तरह से गीले गीले में ही जहाँ पर कलर लगा है हर उस जगह पर अप्लाई कर लीजिए। पूरे बॉडी पार्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर भी कलर हो। उसके बाद से इसको 5 से 7 मिनट सूखने दीजिए और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि आपका कलर बढ़िया से सूखने लगा है और स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो होप करती हूँ दोस्तों कि इन तरीक़ों से आपका कलर जो है होली का निकल जाएगा और आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई है। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में ये वीडियो शेयर हो सके तो आप ज़रूर करिएगा, इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों एडवांस में हैप्पी होली, मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।